हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है मैट्रिसेस की 3.1। एलिमेंट्री एक्सरसाइज है इसमें। ना क्वेश्चन नंबर वन, इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। पहली चीज़ वो पूछ रहा है ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रोज है 1, 2, 3 यानी कि 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, 2, 3, 4 यानी कि 4। तो ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का 3/4, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके बाद आपने ऑर्डर निकाल दिया, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 3/4 the 12, तो इट विल गिव अस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब हमने ढूंढने हैं इसके अंदर एलिमेंट्स, वो कह रहे ढूंढो A13। A13 का मतलब हो गया पहली रो का तीसरा एलिमेंट। पहली रो का तीसरा एलिमेंट इज 19। फिर है A21 यानी कि दूसरी रो का पहला एलिमेंट। ये है दूसरी रो, पहला एलिमेंट इज 35। फिर है A33 मीन्स थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यानी कि 5/2। फिर है A24। A24 का मतलब हो गया दूसरी रो का चौथा एलिमेंट। दूसरी रो का चौथा एलिमेंट इज 12। फिर है जी A23 मीन्स सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट इज 5/2। आगे वो कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कौन से होंगे जो उसके फैक्टर्स हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने के लिए हम क्या करें, 24 के फैक्टर्स ले लें। तो 1 × 24, फिर 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, फिर 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2, और फिर 24 × 1। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए। आगे इसी में एक क्वेश्चन अगला आगे पूछता है वो कि इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ऑफ कोर्स तो पॉसिबल ऑर्डर्स कौन से हो जाएंगे, आप 13 के फैक्टर्स बनाएंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स पहला हो गया 13 × 1, और दूसरा हो गया 1 × 13। तो दो पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम ऐसे ही करना है आपने। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स जिस विच विद ईच एलिमेंट aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस डेफिनेशन दी हुई है कि aij जो है इट इज इक्वल टू i प्लस j का स्क्वायर अपॉन में 2। जब इस तरह का आपको बनाना हो तो हम क्या करते हैं, शुरू में एक इस तरह से रफ में बना ले मैट्रिक्स। नाउ ये है A11, A12, A21, A22। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, A11 निकालते हैं पहले, वो हमें दिया ही हुआ है, यानी कि i क्या है 1 और j क्या है वो भी 1। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, दैट इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर विच इज 4/2। तो आ गया A11 आ गया 2। नाउ A12 मतलब i है 1, j है 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2। तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9/2। फिर A21 क्या हुआ, अब i हो गया 2 और j हो गया 1, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि अगेन ये भी वही हो गया, 2 प्लस 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। फिर A22 यानी कि i हो गया 2 और j भी हो गया 2, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16/2, दैट इज 8। तो हमारा जो a आ जाएगा मैट्रिक्स आंसर जो है वो है A11 विच इज 2, A12 विच इज 9/2, A21 विच इज अगेन 9/2, और A22 इज 8। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। वो कहता है फाइंड एक्स वाई जेड इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ना अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि y किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल, z किसके इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग इसके 3 है 3 के इक्वल, और x किसके इक्वल होगा
वन के इक्वल, ठीक है जी। नाउ अगला ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है, तो x प्लस वाई का जो कॉरस्पॉन्डिंग है, x प्लस वाई जो है इट इज इक्वल टू सिक्स, और जी दिया हुआ है फाइव प्लस जेड, फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, और एक्स वाई इज इक्वल टू एट, ठीक है। तो हम क्या करें इसमें, अब y की वैल्यू क्या होगी, एट अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू लेकर हम इसमें भर दें, तो x प्लस एट अपॉन एक्स इज इक्वल टू सिक्स, सारी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस एट इज इक्वल टू सिक्स एक्स, इन भाई साहब को भी इधर ले आए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल देते, तो मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और प्लस करके 6 आना चाहिए, 4 टू द 8, 4 प्लस 2 6, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस 2 कॉमन, इधर से बचा x, इधर से बचा माइनस 4, तो हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, तो जब ये आ गया, नाउ y की y क्या है, 8 अपॉन x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, दैट इज y इज इक्वल टू 2, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू आ रही, अगर x 2 है तो y 4 है, और अगर x 4 है तो y 2 है। अब तीसरी चीज रह गई z की, तो 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 ही है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, z इज इक्वल टू 0, तो ये आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इसी से मिलता जुलता है, ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब अगला है जी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो अगर वो कहते हैं इफ ए जो है इट इज ए मैट्रिक्स विद एलिमेंट ए आई जे ऑफ ऑर्डर m into n, और ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या ये m जो है n से छोटा होगा, m n से बड़ा होगा, या m n के इक्वल होगा, या ना ना होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, राइट, तो वो है, इसलिए m इज इक्वल टू n इज द ट्रू आंसर, देयरफॉर सी जो है हमारा, ये हमारा आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।